आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हमें संसद क्यों चाहिए, सिविक्स का थर्ड लेसन चल रहा था कि भाई हमें संसद की क्यों ज़रूरत होती है। तो मैंने आपको सारा बताया था कि संसद के है और 1885 में किस प्रकार राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, किस प्रकार से इलेक्शंस हुए थे और सरकार कैसे मार्गदर्शन करती है, कैसे हमें जानकारी देती है, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। आज हम इसका आगे का पार्ट्स पढ़ेंगे कि क्या होता है कानून का बनाना और ये सभी। देखिए जरा यहाँ से, फिर सरकार ये पहले यहाँ से देखेंगे एक बार दोबारा से कि राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कौन करता है। मैंने दो बताए थे कि राष्ट्र के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और उसके दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, जिसमें से दो सदस्य जो हैं कौन मनोनीत करते हैं, आपके राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं, और 245 सदस्य आपके राज्यसभा में होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य जो होते हैं वो आपके राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते चुने जाते हैं। बाकी आपके जो संसद के सदस्य होते हैं वो आपके इलेक्शंस के द्वारा किए जाते हैं, जो आपके मनोनीत चुनाव में संसद में भेजे जाते हैं। तो ये सारा मैंने उस दिन बताया था। आज देखिए, जैसे भारत का जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा में सत्ताधर होता है, यानी कि प्रधानमंत्री के हाथ में ही सब कुछ होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के संसदों में से ही चुनाव करते हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ जो मिलकर सारे कार्य करते हैं। ये मंत्री जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा है, वित्त मंत्री है, सरकारी मंत्री, ये सारे कार्य अपने उस पर सरकारों में बांट दिए जाते हैं और वो अपने सारे कार्यों को करते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे अब पढ़ेंगे कि सरकार को नियंत्रण और मार्गदर्शन कौन देता है। भाई सरकार का नियंत्रण और काम जिसके जैसे संसद का सरकार के कामकाज में जानकारी हासिल करते हैं, इसके लिए एक संसद को कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। ठीक है, कार्यपालिका किस तरह से कार्य को करती है, इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधि और संसद के जरिए जनता की राय अपने मौका मिलता है। इसलिए इसमें क्या होता है, सरकार से सवाल पूछने का संसद में बहुत अपनी जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के आपने देखा होगा, सुबह संसद होती है तो जो संसद के सदस्य होते हैं वो किस तरह से अपने विचारों को प्रकट करते हैं कि भाई कार्य को किस तरह से होना चाहिए। तो ये सरकार को नियंत्रण करने की जानकारी होती है कि किस तरह सरकार की नीतियों और कार्यक्रम की जो कमियां रह गई हैं उनको किस तरह से लागू किया जाए। इस तरह से ये सारे कार्य होते हैं और अपने दल के समर्थन में जुटाते हैं। तो यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि भाई जो संसद है वो किस तरह से, संसद में कौन लोग होते हैं, संसद में विभिन्न लोग संख्या बढ़ती हुई जाती है, किस तरह से जैसे वोट डलती है और किस तरह से आपके इलेक्शंस होते हैं। तो उसमें संसद में कोई प्रतिनिधि होता, अब चुनाव जीत कर आने लगे हैं, जैसे दलित और पिछड़े वर्ग के राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ रही है। ठीक है, पहले क्या होता था कि भाई इनको जैसे महिलाएं थी उनकी कोई सीट बुक नहीं थी, उसके बाद उन्हें फिर आबादी की प्रतिशत मात्रा दी गई। जैसे पहली जैसे ये इसमें आपको लोकसभा हुई है कि देश जब से आज़ाद हुआ है जब तक आपके लोकसभा के जो इलेक्शंस हुए हैं उसकी जैसे डेट दी गई थी किस प्रकार मतदान हुआ और कितने प्रतिशत हुए। यहाँ पर जैसे लास्ट जो आपकी हुई थी 2014 में हुई थी, उसके बाद 2020 में हुई थी, तो इस प्रकार ये बढ़ती हुई चली गई थी। तो इस तरह से ये संख्या बढ़ती है। उसके बाद क्या होता है कि अनुसूचित जाति जो होती है कुछ सीटें उनके लिए बुक कर दी जाती है, जैसे अनुसूचित जाति जैसे आपकी SC जो बोलते हो आप, ठीक है, और कुछ अनुसूचित जनजातियाँ होती है जैसे ST वगैरह जो होते हैं उनकी आरक्षित सीट बुक कर दी जाती है। कुछ दलित वर्ग तो होते हैं जो कि चुनाव चिन्ह होते हैं, जैसे इनकी हमेशा आप इलेक्शंस में भी और वोट डालने में भी और जैसे नौकरी वगैरह भी होती है तो इनकी गवर्नमेंट्स की तरफ से कुछ सीटें बुक होती हैं कि भाई आपको इतनी सीटें दे दी गई है, उन पर उनके इलेक्शंस होते हैं, उन पर उनकी नौकरी होती है। तो इस तरह से चुनाव में उनका मतदान किया जाता है। जैसे आदिवासी उम्मीदवार होते हैं तो आदिवासी जो लोग होते हैं उनके अलग से उनकी सीटें बुक होती हैं, कुछ दलित वर्ग होते हैं उनके लिए कुछ होती है संसद में। इसी प्रकार जब ये जॉब के लिए जाते हैं, मैं एक समझाने का उदाहरण दे रही हूँ कि जैसे जॉब के लिए जाते हैं या अपने एजुकेशन के लिए जाते हैं तो इन लोगों के लिए कुछ अलग से एक सीटें बुक होती है जिसको हम कहते हैं कि आरक्षित जो आरक्षण बुक है वो होती है। तो इस तरह संसद जो है इन सब के कार्य करते हैं। तो आपने इस लेसन में पढ़ा भाई संसद कितने प्रकार की होती है, संसद में कहते होती है राष्ट्रपति का क्या कार्य होता है, ये सब कुछ होता है। जैसे यहाँ पर हमको दे रखा है कि गठबंधन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि समूह या दलों के तत्कालिक गठजोड़ जो होते हैं उसको कहते हैं गठबंधन। ठीक है, तो ये आपके कुछ सब संकलन आते हैं जो कि आपके पेपर में भी आते हैं कि ये आपको टिकड़ी दे दी जाती है और इनकी डेफिनेशन करनी होती है। तो इस तरह से ये लेसन कंप्लीट होता है। आपको इसके एक्सरसाइज के और कुछ अन्य क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो आपको कॉपी में करना है।